close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Hello, दोस्तों, welcome back to Futuristic Auto. दोस्तों, आज हम आपके लिए जो गाड़ी लेके आए हैं उसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था. आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्रेटा इनलाइन का डिटेल रिव्यू. तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं. दोस्तों, आपके सामने है क्रेटा इनलाइन 2024 N10 मॉडल, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है हुंडई ने, जिसमें आपको सबसे पहले अगर आप बात करें तो होराइजन LED पोजीशनिंग लैंप मिल जाते हैं, एंड DRLs जो कि पूरे एंड टू एंड कनेक्टेड हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट और रेयर दोनों में. रेयर में आपको टेल लाइट में भी मिल जाएंगे. एंड उसके अलावा आप बात करें तो सीमलेसली यूनिक डिज़ाइन आपको इसमें देखने को मिलता है, और बहुत ही ब्यूटीफुल इसका जो है फ्रंट आपको एन लाइन में नज़र आता है. दोस्तों, टायर्स की बात करें तो आपको इसमें डायमंड कट अलॉय R18 साइज़ के देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देते हैं गाड़ी को. इनलाइन की बैजिंग आपको Hyundai की हर गाड़ी की तरह इसमें भी यहाँ पे मिल जाती है. तो चलिए दोस्तों, आपको Hyundai Creta इनलाइन 2024 के अंदर लेके चलते हैं. दोस्तों, ये देखिए आप जो है कैबिन व्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, कितना ही स्पोर्टी और कितना ही ब्यूटीफुल यहाँ पे इनलाइन का इंटीरियर यहाँ पे Hyundai ने दिया हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल 4 पावर विंडोज एंड कंट्रोल्स. बोस के स्पीकर आपको दोस्तों इसमें मिलते हैं, 4+2+2 का इसमें सेटअप है. इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड आपको यहाँ पे सीट्स मिल जाती हैं, और यहाँ पे आपको मेटालिक फिनिश पैडल्स देखने के लिए मिल जाते हैं. तो चलिए दोस्तों, आपको गाड़ी के अंदर लेके चलते हैं. यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप का पुश बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप का ऑन ऑफ का बटन, एंड आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा. यहाँ दोस्तों एक स्पेशल फीचर दिया हुआ है Hyundai ने, यहाँ पे आप मैग्नेटिक स्ट्रिप यहाँ पे लगाई हुई है. यहाँ पे अगर आप अपना कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं. इसके अलावा दोस्तों, इनलाइन जो है बहुत ही स्पोर्टी कार मानी जाती है. अभी हम इसके इंजन की स्पेक्स की बात करेंगे, और ये देखिए दोस्तों कितना ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन. यहाँ पे आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग देखने के लिए मिल जाता है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि अभी एक्चुअली ये जो गाड़ी है वो लॉक कंडीशन में है, जस्ट अभी ये शोरूम में आई हुई है. तो अभी जो है इसके फीचर अनलॉक नहीं हुए हैं दोस्तों, बहुत ही जल्द आपके लिए हम डिटेल रिव्यू लेके आएंगे. इसमें आपको बेसिकली जो स्पेशल फीचर्स देखने को मिलते हैं वो इंडिकेटर जब आप देते हैं तो आपको इसी में कैमरा में आपको व्यू मिलता है. जैसे आपने राइट का इंडिकेटर दिया तो आपको राइट साइड का व्यू इसी स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाता है. और यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, ये देखिए कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइन यहाँ पे इनलाइन गियर नॉब, और ये जो है सेंटर कंसोल. यहाँ पे आपको 10 इंच की ही यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिल जाता है. यहाँ पे आपको दोस्तों बोस के स्पीकर्स जो है वो आगे जो है सबवूफर और एक पीछे सबवूफर मिलता है, एंड 2 ट्विटर्स मिलते हैं और चारों डोर पे स्पीकर मिलते हैं. यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर मिल जाता है. और यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत ही स्मूथ इसका जो है इंफोटेनमेंट Hyundai ने दिया हुआ है. ब्लू लिंक के जरिए आप कनेक्ट भी कर सकते हैं अपने फ़ोन या फिर अपने किसी भी मोबाइल या फिर ऐप से. ये देखिए दोस्तों, फेदरी टच स्मूथ इसका यहाँ पे डिस्प्ले है. यहाँ पे मैप फंक्शन भी दिया हुआ है, जस्ट आपको एक बार दिखा देते हैं कैसे फंक्शन हो रहा है. इसके अलावा डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी देखने के लिए इसमें मिल जाता है दोस्तों, ड्राइवर के लिए. आपको ड्राइवर अलग अलग टेम्परेचर आप मेंटेन कर सकते हैं. यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपके क्रूज कंट्रोल के फीचर्स मिलते हैं, लेन वॉच असिस्ट का फीचर यहाँ मिल जाता है दोस्तों. ये ADAS लेवल 2 आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिलता है, जिसके लिए हम एक डिटेल वीडियो बहुत ही जल्द बनाने वाले हैं. यहाँ पे आप देखिए लेन वॉच असिस्ट का फंक्शन, यहाँ पे सेंसर ऑन ऑफ का बटन का फंक्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है. यहाँ पे आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं क्रूज कंट्रोल की, और लेफ्ट में आपको यहाँ पे जो है वो मोड मिल जाते हैं स्टीरियो कंट्रोल्स के, एंड यहाँ पे आपको वॉइस कमांड का बटन मिल जाता है. यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप डाउन के बटन, यहाँ फेवरेट का ऑप्शन, यहाँ कॉलिंग बटन, तो इस तरीके से वॉल्यूम अप डाउन यहाँ पे मिल जाता है. बहुत ही ब्यूटीफुली दोस्तों डिज़ाइन करा हुआ है एक एक इंटीरियर Hyundai ने. यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प देखने के लिए मिल जाते हैं.
एंड ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और पैडल शिफ्टर्स भी इस गाड़ी में आपको मिलते हैं जो कि ये स्पोर्ट्स गाड़ी है। ये जो गियर नॉब देखिए दोस्तों, कितना ब्यूटीफुली लेदर रैप्ड एन लाइन का गियर नॉब डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आपको डिफरेंट फंक्शंस मिल जाएंगे, आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी आगे की दोनों, और ऑटो होल्ड का ऑप्शन भी यहाँ मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी आपको यहीं से मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको मूड लाइटिंग भी मिल जाती है जो कि बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती है। रेड कलर की आपको इसमें सूदिंग लाइट मिलती है जो स्पोर्ट्स इफेक्ट देती है। इस तरीके से आपको बोथ जो है वो रिमोट कीज देखने को मिलेंगी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कीज़ हैं। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट और उसके अंदर कुछ स्पेस, यहाँ अपने आप वैल्यूएबल्स रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सनरूफ कंट्रोल्स मिलते हैं, पैनोरामिक सनरूफ इसमें आपको मिल जाती है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही वाइड जो है ये सनरूफ है और बहुत ही स्मूथ इसका फंक्शन है, ये देखिए दोस्तों, और वन टच कंट्रोल फीचर के साथ आती है, तो आप एक बार बटन दबा के इसको खोल सकते हैं, वॉइस कमांड के जरिए भी आप इसको खोल सकते हैं, ये देखिए। बहुत ही ब्यूटीफुल इंटीरियर्स यहाँ पे स्पोर्ट्स कार की तरह इसमें डिजाइन किए हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए क्या क्या कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। सबसे पहले आप बात करें तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, उसके अलावा आपको 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, एंड उसके अलावा आपको दो यूएसबी पोर्ट्स मिल जाते हैं सी टाइप चार्जिंग के लिए, और यहाँ पे आपको स्टीरियो कंट्रोल्स। और दोस्तों अब आपको जो है वो गाड़ी की पिछली सीट पे लेके चलते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एन लाइन का जो है यहाँ पे स्पेशली लोगो आपको यहाँ पे सीट पे देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों आपको गाड़ी की जो है एक बार साइड से इसका व्यू दिखाएं, बहुत ही ब्यूटीफुल ये गाड़ी लगती है साइड से, ये देखिए। और अगर फीचर्स की बात करें दोस्तों इसमें आपको, अगर लुक्स की बात करें तो स्पोर्टी टेलगेट स्पॉइलर शार्क फिन एंटीना ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और दोस्तों इसमें आपको जो एडियास लेवल 2 मिलता है उसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट। इसके अलावा दोस्तों आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें मिल जाता है। अगर दोस्तों सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे, सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाएगा, एंड 3 पॉइंट सीट बेल्ट स्टैंडर्ड मिल जाएगा ऑल वेरिएंट्स में। दोस्तों इस तरीके से कुछ आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन इंटीरियर है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको एसी वेंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, और दो यूएसबी टाइप सी आपको यहाँ चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं, और कुछ स्पेस मिलता है यहाँ पे, आप अपना फ़ोन वगैरह या फिर और कुछ सामान रख सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स मिलेंगी, यहाँ पे आपको जो है आर्मरेस्ट मिलेगा विद कप होल्डर्स, एंड बहुत ही स्पेशियस ये जो है गाड़ी की सेकेंड सीट है। तो दोस्तों आइए बैक में लेके चलते हैं आपको। इसमें एंड टू एंड कनेक्टेड टेल लैम्प आपको एलईडी यहाँ पे देखने को मिलता है, बॉडी ब्यूटीफुल डिजाइन टेल लैम्प्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। और दोस्तों एक फीचर और बताना चाहूंगा मैं आपको, यहाँ पे गाड़ी के चारों ही टायर में आपको जो है डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही एक अच्छा फीचर है। दोस्तों एग्जॉस्ट जो है वो ट्विन साइलेंसर यहाँ पे दिया हुआ है, एंड क्रेटा एंड एन लाइन की बैजिंग यहाँ मिल जाएगी आपको। यहाँ पे दोस्तों आपको स्पॉइलर ये मिलेगा अलग से, जो कि बहुत ही बढ़िया लुक देता है गाड़ी को। एंड बूट स्पेस की बात करें तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बूट स्पेस दिखाते हैं, यहाँ पे आप आराम से 3 से 4 सूट के जो है मीडियम साइज के आ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों सब वूफर जो मैं आपको बता रहा था, बोस का एक फ्रंट में एक रियर में आपको मिलता है। एंड यहाँ पे अगर बात करें तो ये स्पीकर ट्रे आपको यहाँ मिल जाती है, और इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों देखिए दोनों ही सीट्स में रिक्लाइनिंग, एंड दोनों ही सीट जो है वो फोल्डेबल हैं, तो आप यहाँ से उनको रिक्लाइन कर सकते हैं या आप उनको फोल्ड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
बहुत ही स्पेशियस एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया है Hyundai ने। दोस्तों अगर फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है वो 360 डिग्री कैमरा का जो है फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ADAS का रडार देखने के लिए मिल जाता है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रिल जो है इनलाइन की बैजिंग मिल जाती है। दोस्तों क्रेटा इनलाइन 2024 में आपको अंडर द हुड मिलता है एक 1.5 लीटर का टर्बो GDI पेट्रोल इंजन जो कि 160 PS की पावर जनरेट करता है और मैसिव 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है दोस्तों। और ये आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड DCT ऑप्शंस के साथ अवेलेबल।